तो मदरसों के बाद अब वक्फ की संपत्तियों की जांच होगी। सभी जिलों में एक महीने में जांच पूरी करने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जे, भू माफिया द्वारा किए गए कब्जों की जांच होगी। शासन ने सभी कमिश्नर्स डीएम्स को पत्र लिखकर आदेश जारी कर दिए। अगर सरकार जो नाजायज कब्जे हैं उनको छुड़ाया, उसके वक्त दिनों को वापस करे, तब तो सर्वे का फायदा है। और अगर कुछ भी ना काम हो, सारी सर्वे होकर रह जाए कि ना इतनी प्रॉपर्टी नाजायज कब्जे में है, तो उससे क्या फायदा होगा? उसको तो सरकार को चाहिए ऐसा कानून बनाए कि वो नाजायज कब्जे हैं वो हट सके वहां के ऊपर। और यहाँ के ऊपर इसमें मुतवलियों ने जो वक्त जो केयर टेकर्स थे उन्हें सबसे ज्यादा बेमानी की है, और वह बोर्ड भी शामिल रहे उसमें बेमानियों में, और सब उन्होंने अपनी जमीनें पैसे थोड़े थोड़े पैसों में बेची उन्होंने। सच्चाई ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं, मुसलमानों की प्रॉपर्टीज की जांच, वक्फ की जांच, मदरसों की जांच, एक तरफा कार्रवाई। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछ रहा हूं कि बहुत बड़े बड़े धर्मशालाओं के ट्रस्ट हैं, मंदिरों के ट्रस्ट हैं, इनकी जांच क्यों नहीं हो रही है? क्या इनमें घपले घोटाले नहीं है आपकी नजर में? और भी एक ऐसा ये फरीदा बनता है, उनका ही ड्यूटी बनती है कि वो जहां नाजायज कब्जे हैं उन नाजायज कब्जों को छुड़ाएं और जमीनों को वापस। बहुत लोगों को तो मालूम भी नहीं कि ये वक्फ है। जैसे कोई बहुत हिंदू भाई ऐसे हैं, जब उससे हम पहुंचे हमने कहीं वक्फ जमीन है, हमको तो पता ही नहीं था, तो हमको तो फुला पुतवली ने बेच डाला, हमने ले लिया, हमें पता ही नहीं था वक्फ जमीन, तो वो किराएदार बनने में तैयार है। जो पहले चेयरमैन था वसीम रिजवी शिया वक्फ बोर्ड का, जिसकी सीबीआई जांच हुई, जिसके खिलाफ करप्शन के बड़े बड़े आरोप, उसको तो आपने करप्शन में जेल नहीं भेजा। और दूसरी बात कि अभी तक तो आप ये कहा जा रहा था छोटी एनआरसी, लेकिन अब आप तैयारी में बड़ी एनआरसी की। जो पुअर मुस्लिम पीपल्स हैं, दबे कुचले पिछड़े मुसलमान हैं, उनके वेलफेयर के लिए ये वक्फ की संपत्तियां वक्फ की गई थी, और उसमें तमाम फिर घालमेल होने लगे जो वक्फ बोर्ड बने समाजवादी पार्टी के दौरान या बहुजन समाज पार्टी के दौरान या कांग्रेस के दौरान। फिर इन्होंने ये खेल शुरू किया कि सरकारी संपत्तियों को, बंजर संपत्तियों को अपने वक्फ में दर्ज कर लिया, ये शिकायतें आई। तो इन शिकायतों पर पूरी तरीके से चिंता करते हुए आदरणीय योगी जी ने इसको वक्फ सर्वे के लिए भेज दिया। मोहसिन अजय साहब पिछले योगी जी की सरकार में मंत्री थे, जब उनको लग रहा अच्छा था तो पिछले 5 साल में क्यों नहीं करा? अब तो माशाल्लाह कुछ दिन से मेहमान है, लग रहा है फिर विधायक बने, मतलब मेरी उस पर कोई वो नहीं है। पर मोहसिन अजय साहब भूल गए, ये तो कहे कि योगी जी को खुश करने में लगे हुए हैं। खैर, अपनी अपनी बातें हैं, अपने अपने तरीके से अपने अपने आकाओं को खुश करने की बातें हैं, पर ये सारी चीजें गलत हैं। और एक दिन समय आएगा कि खुद वो कहते हैं ना कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहा जाता। अब मुझे लगता है कि धीरे धीरे या तो लोग जो जो इनके विभाग के अधिकारी लोग हैं, हो सकता है मिसगाइड कर दिया हूं,